अस्सलाम वालेकुम। अभी हम कश्मीर हाल से निकले हैं। ये जो एग्री इंजीनियरिंग की नई जो बिल्डिंग है, इसके बैक साइड में जो रिसर्च फॉर्म है, आज हम उन फॉर्म्स का विज़िट करवाते हैं आप लोगों को। सो लेट्स मूव। ये रहा क्रिकेट ग्राउंड। इधर हम अक्सर आगे खेला करते थे और अब भी खेल रहे हैं कभी कभार। और इसके बैक साइड में आप देख रहे हैं खेत वगैरह। बहुत ही खूबसूरत मंजर इस टाइम देखने को मिल रहा है। यार इसमें ना हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, चाहे वो हम प्लांट्स के रेसिड्यू हो, जो भी हो, ठीक है, हमारे पास उनको हम हाँ उन सब को जमा करते हैं। और ना ये प्लास्टिक में रखा हुआ, इसमें ना थोड़ा सा हम वाटर भी मिलाते हैं, फिर नाइट्रोजन को डिकम्पोज करने के लिए चीज़ें भी हम मिक्स करते हैं केमिकल। ये पॉलीथीन शीट है मेरे ख्याल में। फिर उसके बाद उसको ना ड्राई, ये ड्राई इसलिए रखा है ताकि इसमें ना फंगस वगैरह क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्शन करें, ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए। तो यह आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 5-6 महीनों में सही से डिकम्पोज होता है और ठीक है इस फॉर्म में आ जाता है। और ये ना रेडीली अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, अपटेक के लिए। तो ये फर्टिलाइज़र बन जाता है और ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो आप इसके ज़रिए आप ऑर्गेनिक क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं। उसका एक एडवांटेज ये है कि ये इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं प्लांट के लिए वो बिल्कुल टॉक्सिक इफेक्ट्स इसमें होते नहीं है। ये इट्स टोटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इसका ये एक बेस्ट एडवांटेज है ये फर्टिलाइज़र। सो इस टाइम हम रिसर्च फील्ड्स में इधर घूम रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हर तरफ ग्रीनरी इधर देखने को मिलती है और दिल को बड़ा सुकून मिलता है इधर आके। और ये इधर लगे हुए हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स, ये आप देख सकते हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ इधर टैग्स लगाए गए हैं। सो हम पहुंचे इस टाइम ये एग्रोनॉमी मेट्रोलॉजिकल सेल इसका नाम है। तो इसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स इधर लगे हुए हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। और अंदर चलते हैं अभी और दिखाऊंगा आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो अंदर लगे हुए हैं। सो लेट्स मूव। सो ये आप देख सकते हैं इधर डिफरेंट इक्विपमेंट्स इधर इंस्टॉल किए गए हैं। आई डोंट नो अभी इन इक्विपमेंट्स के नाम क्या है, ये तो मुझे नहीं पता। जो एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स होंगे वो बेहतर जानते हैं इनके बारे में। ये क्या है आइसक्रीम, वैसे नाम पता है इसका? नहीं।
ये अंदर आई थिंक के थर्मोमीटर्स वगैरह लगे हुए हैं इधर। इस टाइम पहुंचे हम एंग्रो फर्टिलाइजर सेंटर में, तो ये मैं दिखाता चलूं आप लोगों को। सो ये रहा एग्रो फर्टिलाइजर सेंटर का फ्रंट व्यू। ये सेंटर जो है वो शुरू में था नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। इसकी इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली हो गई है, नवंबर 23, 2021, ये इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 2021 में इसकी इनॉग्रेशन हो गई है। तो आज हम काफ़ी घूमे हैं यूनिवर्सिटी में, तो अभी हम वापस चलते हैं अपने हॉस्टल।